आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव। मैं हूँ विजयलक्ष्मी। गेहूं क्रय केंद्रों पर तैयारी पूरी, गेहूं बेचने नहीं पहुंचे किसान। यूपी के अमेठी जिले के गेहूं क्रय केंद्रों में गुरुवार से गेहूं की खरीद शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन गेहूं क्रय केंद्रों पर किसान गेहूं बेचने नहीं पहुंचे। सभी केंद्र प्रभारियों ने सारे इंतजाम कर लिए हैं। गेहूं खरीदने के लिए इस बार 53 केंद्र बनाए गए हैं। डीएम के निर्देश पर इन सेंटरों में किसानों के लिए बैठने का इंतजाम किया गया है। पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा छाया का भी बंदोबस्त किया गया है ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कतें न हो। जायस मंडी समिति में भी केंद्र बनाए गए हैं। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी ने बताया कि गुरुवार से गेहूं की खरीद शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज कुछ किसानों के केंद्र पर आकर पूछताछ भी की। अभी फसल कटाई शुरू नहीं हुई है, इसलिए किसान गेहूं बेचने नहीं आए। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीदने के लिए इस साल कोई लक्ष्य नहीं मिला है। किसान खेत के अनुसार उनके फसल की खरीद की जाएगी। अमेठी से असद हुसैन की रिपोर्ट। और हमारे यहाँ पर 53 केंद्र बनाए गए हैं और सभी केंद्रों पर जो आवश्यक व्यवस्थाएं वो भी सुनिश्चित कर ली गई है। केंद्र में केंद्र प्रभारी भी के अतिरिक्त जो है नोडल अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है। जनपद स्तर में जो हमारी बैठक होती है सभी अधिकारी के साथ हैं, वो भी इसमें सुनिश्चित कर ली गई है। और जो सुनियोजित तरीके से जो गेहूँ खरीद का कार्य है वो जनपद में प्रारंभ कर दिया गया है। जनपद में कितना लक्ष्य गेहूँ खरीद? देखिए, वर्तमान में जो है 50,000 मेट्रिक टन से अधिक का लक्ष्य इसमें दिया गया है और सभी केंद्रों को भी अपना लक्ष्यमार्ग जो है बांट दिया गया है। उनको कहा गया है कि लक्ष्य के अनुरूप उसमें गेहूँ खरीद प्रारंभ करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.